बच्चों, आज हम सीखेंगे वर्णों की बनावट। बनावट का मतलब क्या होता है? लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? लिखना अ से लेके अह तक, ठीक है। और अह से लेके अह तक क्या होते हैं? हमारे स्वर। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखा आपने आगे का फर्स्ट पेज देखा, देखिए एम वाई माई टी ए एस के टास्क, बी डबल ओ के बुक, टास्क बुक। ये वाली बुक है ना आपके पास में, देखिए सब आपके बैग में होगी। मिली सबको? ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा पेज निकालना है हमको, ये बताती हूँ। अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है, यहाँ देखिए हिंदी टू, यहाँ पे टू नंबर डला होगा, वो वाली बुक निकालिए आप भी देखकर, ठीक है ना। चलिए अब हम अंदर देखते हैं कौन सा पेज निकालना है हमको। अब ये वाला पेज निकालिए, पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा टू, ठीक है। ये वाला पेज निकालिए, यहाँ देखिए हमारे पहले से अ से लेके अह तक लिखा हुआ है, डॉट से, है ना। चलिए सबने निकाल लिया ना ये वाला पेज, ओके। अब आप पेंसिल लीजिए, पेंसिल को तेज शार्प कर लीजिए, उसका नोक तीखा होना चाहिए। उस नोक तीखा होगा तो क्या होगा कि हमारी जो हैंड राइटिंग है ना वो बहुत सुंदर आएगी, ओके। चलिए अब हम आज क्या सीखेंगे, अ से लेके अह तक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले से डॉट से बने हुए हैं, है ना, देख रहे ना आप अपनी बुक में, अ से लेके अह तक बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब इसके ऊपर पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है। अब हम ये जो हमारे डॉट से बने हुए हैं इनके ऊपर हम क्या करेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखिए, मैंने भी मेरी पेंसिल इतनी तीखी की है ना, आप भी कर लीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं अ से अनार। पहले हम ऐसे लाइन बनाएंगे, बनी हुई भी है उस पे, हमको सिर्फ पेंसिल चलाना है ऐसे। ये बना हमारा अ से अनार। अब बनाएंगे हम आ से आम, हमको पहले यही लाइन बनानी है। हम पहले अ से अनार बनाएंगे, ठीक है। ये बनाया हमने अ से अनार। अब हम इसके ऊपर पेंसिल से बनाएंगे एक और लाइन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आ से आम। अब ई से इमली बनाएंगे, पहले ऐसे ही लाइन बनानी है, क्योंकि हम हिंदी में जब लिखते हैं ना तो हमको पहले एक सीधी लाइन बनानी होती है, उसके बाद में हम फिर लिखते हैं, तो हमारी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है। और ये क्या बनाया मैंने, ई से इमली। आप भी मेरे साथ बना रहे हैं ना, हमको अभी बिंदुओं के ऊपर बनाना है ना, ऐसे इधर, फिर यहाँ से लेके आके हम इसको फिर नीचे लेके आएंगे, इसको थोड़ा नीचे लेकर आएंगे क्योंकि हम फाइव लाइन में लिखेंगे ना, तो इसको थोड़ी सी हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी ये बना हुआ है तो हमको ये बनाना है, ये क्या बना हमारा, ई से ईक। अब हम बना रहे हैं ऊ से उल्लू, ऐसे लाइन बनानी है। ये तो बहुत सिंपल हुआ, ये बन गया हमारा उसे उल्लू, बहुत सिंपल था वो तो, है ना। अब है उसे ऊन, इसमें भी सबसे पहले हम उसे उल्लू बनाएंगे, और फिर इसकी एक और क्या निकाल देंगे हम, पूंछ, तो क्या बन जाएगा वो, उसे ऊन। अब हम बनाएंगे री से
ऋषि। ऐसे बनाना है ऐसे, फिर यहाँ पर फिर ऊपर से लाइन लाएंगे और ये बना देंगे। बना अब है ए से एड़ी, इसको भी यहाँ से बनाएंगे। हमको अभी इसको भी थोड़ा सा हम बाहर लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको एक लाइन बनाएंगे। ये क्या बना हमारा ए से एड़ी। अब है ऐसे, वापिस हमको पहले एड़ी का ही बनाना है ना, लेकिन हम ये क्या बना रहे हैं ए से ऐनक। ये तो बन गया हमारा ए से एड़ी। अब इसके ऊपर हम ऐसे बनाएंगे और छोटा सा एक सर्कल बना देंगे। ये क्या हुआ हमारा ए से ऐनक। अब है ओ से ओखली, ऐसे लाइन बनाएंगे। पहले हम अ से अनार बनाएंगे, ये बनाया हमने अ से अनार। अब एक और लाइन बनाएंगे, फिर हमने जैसे ए से ऐनक पे बनाया था वैसे ही हम ओ से ओखली पर ऐसे ऊपर लाइन लाकर एक गोला बना देंगे। तो ये क्या बना हमारा ओ से ओखली। अब है वापिस वही लाइन, ये क्या है औ से औरत। इसमें भी हम सबसे पहले अनार का बनाएंगे, फिर एक और लाइन बनाएंगे। तो ये क्या बना आ से आम, लेकिन अब हम इसमें ऊपर बनाएंगे ऐसे और ऐसे। ये क्या बना हमारा औ से औरत। से अनार है ना, ये बनाया से अनार। फिर एक छोटा सा हमको डॉट लगा देना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा अंग से अंगूर। अब अंग से अंगूर के बाद में अह, ऐसे अ से अनार बनाया। फिर हम यहाँ पे इसके पास में दो डॉट बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अह। ठीक है, आपने भी मेरे साथ में लिखा है ना। अब इसका अभ्यास आप खुद करेंगे, अ से लेके अह तक अब आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है ना, आपको ये समझ में आया होगा इसलिए अब आप ये खुद लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।